भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, भारत में कोरोना की दूसरी लहर चाइना का वायरल वार है। कोरोना की दूसरी लहर पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को कम करने की चीन की साजिश है। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कोरोना की दूसरी लहर के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि यह लहर आई है या भेजी गई है, यह सोचने वाली बात है। हमें लगता है कि यह चाइना का वायरल वार है, क्योंकि सिर्फ भारत में ही दूसरी लहर को देखा गया है। भारत के आसपास के किसी भी देश पे इस लहर का असर नहीं है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, भूटान, किसी भी देश में दूसरी लहर का असर दिखाई नहीं दिया। पीएम नरेंद्र मोदी को लोकप्रियता खत्म करने के लिए यह साजिश की गई है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि विश्व में भारत ने ही चीन को चुनौती दी है। अभी जो कोविड का दूसरी लहर आई है, यह लहर आई है कि भेजी गई है, ये एक चर्चा का विषय। क्योंकि दुनिया के अंदर यदि चाइना को किसी ने चुनौती दी तो भारत ने दी, मोदी जी ने दी। और ये चाइना का वायरल वार है क्या, इसके ऊपर आज बहस प्रारंभ हो गई। हमें तो लगता है कि ये चाइना का वायरल वार है, क्योंकि सिर्फ भारत के अंदर ही दूसरी लहर आई है। लगा हुआ देश बांग्लादेश, वहाँ नहीं, पाकिस्तान में नहीं, श्रीलंका में नहीं, भूटान में नहीं, अफगानिस्तान में नहीं, कहीं पर भी नहीं। तो ऐसा लगता है कि चाइना का वायरल वार है भारत को परेशान करने का, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जब ऑक्सीजन की शॉर्टेज हुई तो मोदी जी ने जो मेहनत की है, जो ऑक्सीजन मुहैया कराई है सारे देश को, आप कल्पना नहीं कर सकते। दुनिया भर से ऑक्सीजन मंगाई, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, तीनों को लगा दिया, और भर भर के टैंकर जहाज़ों से, हवाई जहाज से आए, और ट्रेन से भी रोज देश के एक स्थान से दूसरे स्थान ऑक्सीजन जा रही। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।